इंडिया लाफ्टर चैंपियंस नाम से एक शो आया था, इस साल के उसके जो विनर हैं वो हैं रजत सूद। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रजत सूद। क्या हाल? प्लीज बैठिए बैठिए। मैंने देखा आपकी जितनी भी वीडियोस हैं जी सर, सारी वीडियोस में आप अपने दिल टूटने की बातें करते हो, तो क्या ये सच है या झूठ है? मतलब एक्चुअल में टूटा है आपका दिल? इतना इतना झूठ कैसे ही बोलेगा इंसान? बहुत हाई लेवल के दिल जले हैं ये। तो कितने टाइम चला था आपका अफेयर, थोड़ा सा कुछ बताएंगे उसके बारे में, जितना बता सकते हो कंफर्टेबली। मतलब मेरी तरफ से लंबा था, उसकी तरफ से छोटा था। उसकी तरफ से बस नाम ही खत्म हो गया था या और भी कुछ था? नहीं था सर, कुछ एक वक्त तक तो मुझे अंदाजा है कि था। अच्छा। पर उसने बाद में मुझे बताया कि नहीं, इतना भी नहीं था ऐसे। तो मैं बस उसी मतलब ब्लर्ड विजन में जीता रहा। ये बेसिकली कॉमेडियन नहीं है, ये कॉमेडी करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है ये बात? कॉमेडी मतलब होता है पोएट्री प्लस कॉमेडी। तो बीच बीच में आज आपको पोएट्री भी सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल यार, अगर आपने जिक्र किया तो मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, है ना, आपको अंदाजा लगेगा कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। वो होता ना कि ऐसे एक मैसेज आता है आपका दिन बन जाता है, है ना, कि यू आर द बेस्ट पर्सन। आपको लगता है मैं बेस्ट पर्सन? ये तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो। क्या बात है, कैमरा फोकस किया जाए उन लोगों पे जो पूरे दिल से तालियां बजा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको प्यार में धोखा मिला है। एक शेर और मैं आपको सुनाता हूँ, मतलब यही इसी का, इसी गजल का अगला शेर था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, है ना। इस शेर पे अगर आपने ताली बजाई तो मेरे ख्याल अगले शेर पे आप छाती बजा दोगे। ये कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार, और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार। कितने टाइम चला था ये आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? सर मेरी तरफ से मतलब मुझे जहां तक अंदाजा है, मैं तीन साल मेरी तरफ से था। अच्छा। उसकी तरफ से 9 महीना। ये नहीं नहीं, ये 9 महीने ही क्यों है? वे नहीं यार, 9 महीने बाद ऐसा क्या हो गया था कि वे नहीं, कोइंसिडेंस कहते हैं भाई इसे, कोइंसिडेंस। आप ज्यादा साइंस इन्वॉल्व मत कीजिए। अब आप में से जो भी इनसे जैसे भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ज्यादातर धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? अच्छा लगा आपसे मिलकर। यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब ये जेंडर बेस नहीं है, ज्यादातर धोखे बेईमान लोग देते हैं। कैसा है ना, बड़ा सेफ आंसर दिया आपने। क्योंकि अगर किसी एक की साइड लेते हैं तो दूसरा फिर आपकी टिकट नहीं लेता। फिर मैं देख रहा हूँ कि शो पे सिर्फ लौंडे आ रहे हैं। मतलब इन्होंने कह दिया। नहीं, 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 भाई। शो पे सिर्फ लौंडे आ रहे हैं आपको। आपको जवाब मिल गया ना? बस ठीक है। नहीं नहीं, कहने का मतलब एग्जांपल था कि सिर्फ लड़के या लड़कियां आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन है जो पूछना? ऐसी मस्ती में आगे बढ़ाएंगे सेशन को, कोई ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। हेलो सर। थैंक यू सर इतनी उम्मीद रखने के लिए। क्या थैंक यू सर मुझे मुझे रखने के लिए? मैं क्यों रखूं? मेरे पे उम्मीद रखने के लिए। अच्छा, उम्मीद रखने के लिए। अच्छा फिर ठीक है, मुझे रखने के लिए। भाई मैं क्यों रखूंगा? नहीं
आई डोंट वांट यू. हां प्लीज. मुझे मुझे भी सुनाई दिया कि थैंक यू सर मुझे रंगने के लिए. अच्छा मेरा सवाल ये था जी, जैसा वो देखते हो या देखता हो. क्या देखता हो आप? ये सुनने तो दो, सवाल तो सुनने दो. हाँ कि जिसके ऊपर आपने लिखी है इतनी चीजें. अच्छा, अच्छा, हाँ. तो अब उसके दिल पे क्या बीतता होगा? अच्छा अच्छा. तो अब आपको कितना अच्छा लगता होगा? नहीं हाँ, उसको भी कुछ पछतावा हो रहा होगा मुझे छोड़ने का. भाई पता नहीं पछतावा, लेकिन उसके शादी के कार्ड छप गए हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब मेरे को पता नहीं कि मेरा मोटिव ये है भी नहीं सर कि किसी को पछतावा हो या मतलब किसी को एहसास हो. मेरा मोटिव ये था कि जब मैं एक चीज से गुजर रहा था, मतलब मेरा इमोशन था सर, तो मुझे उसे डील करना नहीं आ रहा था. बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे लिखावट मिली, मुझे शायरी मिली, और मुझे मतलब जोक राइटिंग की एक आर्ट मिला, जिसके जरिए मैं अपने वो एक्सप्रेशन को मतलब बाहर कर पाया. सो दैट वो मेरे अंदर अंदर नहीं हुआ कि मैं घुटा नहीं यार, है ना. तो मैं इस पर जोक बना के हंस लेता हूँ, अंदर से तो दुखी था मैं. हेलो सर, सर अभी आपने बताया कि जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ तो उनकी शादी के कार्ड छप गए हैं, तो सर आपको पता है तो क्या उनकी शादी का कार्ड आपको भी आया है? आपको कैसे पता? जनता जानना चाहती है. देखो मुझे ऐसे लगता है सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच टीम की खबर नहीं रखते. है ना, कौन टीम में शामिल हुआ, कौन निकल रहा है, भाई पूरी खबर है. थैंक यू सर. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ कि वो हंस के देख रही है या देख के हंस रही है? क्योंकि सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. सही सवाल है. ऐसा कुछ हुआ भी आपके साथ में यहाँ पे जब से आए हो सुबह से? अभी तक तो नहीं, अभी लेकिन तक कॉलेज नहीं में बहुत होता है यार. मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ना ख्यालों में रहने वाला इंसान हूँ सर, है ना, कि अपने ख्यालों में, है ना. तो मुझे लगता है कि आप वो चीज मानो जो आपके लिए फायदेमंद है. प्रश्न ये था कि दिल टूटने से पहले आप इतने बड़े वो थे कि दिल टूटने के बाद इतने बड़े वो? फिल इन द ब्लैंक्स. वो मतलब क्या? वो थोड़ा है. हाँ, मतलब क्या फीलिंग समझिए ना आप. वाजिश पापा टांग तोड़ देंगे. फीलिंग समझो और जवाब दे दो. अगर ये मैं क्लियर करता हूँ, मतलब आप भी बड़े वो हैं सर. याद है कि स्कूल के एनुअल डे पर ऐसा होता था कि एक मैंडेटरी था कि हर बच्चे को किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करना. मैं सर इतना डरता था उस वक्त कि मैं इकलौता था शायद अपने बैच में जो ऐसे बच के निकल गया था. लेकिन भाई कॉलेज गया सर तो एक नई दुनिया देखने को मिलती है आपको. मेरा कॉलेज बहुत बेहतरीन मतलब कॉलेज था. कौन से कॉलेज से थे आप? सर मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. अच्छा DTU. जी DTU. बट वहाँ पे मैंने सुना है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियां कम होती है, लड़के ज्यादा होते हैं. जी जी सर बिल्कुल ऐसे ही होता है. बिल्कुल सुना आपने, सही सुना. ये देखो ऐसे ही होता है, दिल से निकला के कह रहा हूँ. सही है. आप आना बंद कर दो, आना शुरू कर दो. आगे बढ़ते हैं. तो हाँ, कॉलेज में जब मैं गया ना सर, तो वहां मैंने देखा ऐसे कॉलेज का फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज था, तो वो था ना ओरिएंटेशन, जिसमें कि कॉलेज के सीनियर स्कूल बन जाते हैं एकदम से, कह रहे ये वी आर इन दिस कॉलेज, है ना, मास बंक करेंगे, ऐसे हमें गाइड कर रहे हैं. तो उसमें सर मतलब वो था कल्चरल परफॉर्मेंसेस थी, तो उसमें एक हमारे सीनियर आए थे और वो परफॉर्म कर रहे थे. तो मैंने उनको देखा सर, वो ना बीट बॉक्सर थे. तो बीट बॉक्सिंग बता आप लोगों को, वो होता ना वो जो माइक पे से ये कर रहे. तो सर वो आए स्टेज पे और मैं मतलब फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज, अंडर कॉन्फिडेंट सा बच्चा, ऐसे इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ जिनकी इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स है ऑल इंडिया में, मतलब इतने टैलेंटेड लोग, इतने ज्यादा एजुकेटेड बच्चे, और मैं उनमें बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट से बैठा हूँ. और एक बंदा आता है और सिर्फ माइक है उसके हाथ में, उसने पूरा माहौल बदल दिया. ऐसे मतलब लोग एकदम इंजॉय करने लगे, वेव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और मेरे को लगा यार ये क्या सुपर पावर है यार, कि एक बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ और 500 लोग हंस रहे हैं उनका. मैं बहुत अलग इमोशन में गया था अंदर की, बड़ा डरा डरा सा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ एकदम से. तो मुझे लगा सर ये कितनी बेहतरीन कला है कि कोई इंसान कुछ पेश कर रहा है मंच पर और बाकी हजारों में जनता खुश हो रही है. तो मेरे को था यार ये करना है एक दिन यार. तो मैं तब उस दिन ये ख्वाहिश उठी थी सर, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ.
सर जैसे आप पोइट्री लिखते हैं, मैं भी नाइन्थ क्लास से पोइट्री लिख रही हूँ। बहुत अच्छा। तो नाइन्थ क्लास से मतलब मैंने ट्वेल्थ कर ली है। अच्छा। मैं पोइट्री लिख रही हूँ। तो नाइन्थ क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा जोश था उस टाइम पे, मतलब कुछ अच्छा। करना है ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे मेरी ऐसी पोइट्री निकलती थी। अब मेरी ये लव वाली पोइट्री निकलती है। अच्छा। और कभी कभी ब्रेकअप वाली निकलती है। तो सर ये जॉनरा कैसे चूज करें कि हाँ मुझे इस चीज़ में मैं बहुत अच्छी पोइट्री लिख लेती हूँ, तो मुझे इसमें ही चलना है? एक मेरे को लगता है आपको चुनना भी नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी में हमेशा अलग अलग दौर रहेंगे, आपको हर चीज को एक्सप्रेस करना सीखना है। तो अगर आपको जॉनरा एक पे कमांड बनानी है तो वो एक्सप्रेशन पर बनाओ कि बयां कैसे किया जाता है। अच्छा। फिर चाहे वो कुछ भी बयां करना हो, चाहे वो मोहब्बत जो है महबूब के लिए हो, चाहे वो अपनी माँ के लिए हो, चाहे वो अपने स्कूल के लिए हो, चाहे अपने गुरु के लिए हो, किसी के लिए भी, लेकिन आपको मोहब्बत बयां करनी आनी चाहिए। क्या मुझे भी सर एक शेर याद आया, वो होता ना उस दौर में जब आपको लगता है यार आपने किसी से बहुत सच्चा प्यार किया है ना, और फिर वहां पे वर्कआउट नहीं किया या फिर किसी भी वजह से आप साथ नहीं है, तो अब आपको लगता है यार अब दोबारा नहीं हो पाएगा यार, है ना, वो वाला इमोशन आ जाता है ना कि अरे यार हो गया भैया हमारा, हाँ कि ये अब वापस नहीं आना इस गली में, है ना। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। जब से वो गई है जी जी, उसके बाद कोई मोहब्बत हुई है नहीं हुई है? उसके बाद से सर आपकी वीडियोस देखी है मैंने, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू मूव ऑन। अरे नहीं मैं मोटिवेशन के अपने काम पे ध्यान दो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने संदीप सर की वीडियो बहुत देखी उस दौर में, और आपकी एक वीडियो आई थी सर की आई एम अनस्टॉपेबल, एक ऐसी वीडियो आई थी भाई, मैं शीशे के आगे खड़े हो गए आई एम अनस्टॉपेबल, मैं लगा मैं आई एम, हालांकि पापा 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, पर मैं लगा रहता था कि नहीं आई एम अनस्टॉपेबल भाई। एक दिन मैंने पापा को बोल दिया, मैंने कहा आई एम अनस्टॉपेबल, पापा ने कहा यू आर अनस्टॉपेबल बट यू आर नॉट अनबीटेबल। यही शेर मैंने तब लिखा था ना कि मूव ऑन कर रहा हूँ सर मैं, लेकिन वही कोशिशें नाकाम हो रही है ना। तो मैंने तब लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता। क्या थैंक यू सर पहले तो इनवाइट करने के लिए, और मैं इस सेशन के लिए इटली से आया हूँ स्पेशल। कहाँ से आए हो? इटली से। ओ अरे इटली से आपसे मिलने के लिए आपका सेशन देख। एक मिनट इटली मतलब दिल्ली वाला या बाहर? यूरोप वाला यूरोप से स्पेशली आप इस सेशन के लिए आए हो? हाँ एक महीना कर रहे हो, सीरियस नहीं कर रहे हो? सच में टिकट देख सकते हो आप मेरे फोन में अभी, दिखाओ। मैं नहीं मानता यार, इटली से कौन आता है सेशन के लिए? फोन ऑन हो जाए, टिकट दिखा दे। हाँ करो करो ऑन करो, दिखाओ यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, बेहतरीन बात, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे सेशन में। अच्छा, कि कोई कह रहा है कि इटली से स्पेशली आया हूँ मैं इस सेशन के सर लिए। नहीं ये कमाई है सर की यार, एक बार ताली है सर के लिए। सर क्या मैं आगे आके दिखा सकता हूँ आपको? हाँ आके दिखाओ ना। थैंक यू। अब बच्चे जुगाड़ लगा रहे, कह रहे हैं नंबर कमा रहे, हाथ मिला, मोस्ट वेलकम, जाओ बैठो। थैंक यू जी भाई साहब इटली से आने के लिए, प्लीज बैठिए। हाँ अब बताइए कौन है जो कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती है? आप कुछ पूछना चाहते थे क्या? हाँ अच्छा, इनको दो माइक दो, मुझे लगा आप बस यही बताना चाहते थे कि इटली से। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ही था, सर आपकी शादी को इतने साल हो गए हाँ, लेकिन फिर भी आपकी स्माइल पहले जैसी है, इसके पीछे क्या राज है? आपको कैसे पता पहले मेरी स्माइल कैसी थी? नहीं नहीं, मैंने जब सेमिनार शुरू करे 10 साल पहले, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। सर ने इनडायरेक्टली कह दिया कि पहले ऐसी नहीं थी। सर एक बात पूछनी है कि जैसे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बोलते होंगे बंदी पटानी है। अच्छा। तो वो बोलते मेरे स्कूल से ही है। तो बोलते होंगे शायरी वायरी गाता है, तो भाई एक बता कि जो पॉइंट वॉइंट मारे और सेट हो जाए। हाँ एक बताओ फिर ये। अच्छा। एक कोई ऐसी शायरी बताओ हाँ, कि बंदी सेट हो जाए, ये भाई साहब पूछना चाह रहे हैं। पहले तो ये बताओ ऐसी कोई शायरी होती है? आज तक इनसे नहीं हुई, आपसे क्या होगी?
पर यार मतलब कुछ एक चीजें होती है जो आप महसूस कर लेते हो, बड़ी अच्छी एक ख्याल मेरा निकला था, मतलब कुछ एक लोग ऐसे होते हैं ना आपकी जिंदगी में, वो इतने खूबसूरत होते हैं, आपको वो लोग इतने पसंद होते हैं, पर आपको पता है यार कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। मैंने तब एक शेर लिखा था कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। मत सुनाना, जूते पड़ेंगे, पहले ही बता रहा हूं। और यहाँ पे तो किसी लड़की को बिल्कुल मत सुनाना, बाहर बाउंसर्स भी हैं, ठीक है, तो संभल के दोस्त, संभल के, हर बात पे अमल नहीं किया जाता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रजत, मुझे बहुत मजा आया आपसे इंटरेक्ट करके, आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया होगा। यस और नो? हाँ, थैंक यू सो मच। Big hand for him!